आयोजन जो है यहाँ हुआ है, कई वर्षों से चल रहा है। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ दो दिनों का सत्संग होता रहा है और अभी पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आप विश्वकर्मा के संबंध में भी सुन रहे हैं। इस संसार को बनाने वाले को विश्वकर्मा कहा गया है। विश्व रचयति इति विश्वकर्मा, विश्व करोति इति विश्वकर्मा। जो विश्व को बनाया है, जिन्होंने धरती बनाया, आकाश बनाया, चांद बनाया, सितारा बनाया, 84 लाख इंद्रियों बनाई, देवी देवता को बनाया, एक और बहुत परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, विश्वकर्मा। लेकिन हम लोग शेष परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं। हम लोग जैसे प्रधानमंत्री हैं अथवा राष्ट्रपति हैं, जैसे जो बॉडी गार्ड है अथवा जो उनके सलाहकार हैं, उनके जो बॉडी गार्ड है उनकी पूजा करते हैं। एक परमात्मा की जो शक्ति है आया है दुर्गा सप्तशती में, यादव भी संभूति शक्ति नमस्तस्य नमो नमः यादव भी सर्वभूति बल रूपेण श्रद्धा रूपेण विश्वास रूपेण स्वस्थता नमस्तस्य नमो नमः। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ये बार बार तो जो तुम कुछ भी कहते हो सो नदी है, नदियों में गंगा नहीं हूं, ऋषियों में भृगु नहीं हूं, वृक्षों में पीपल नहीं हूं, कवियों में उष्णस कभी मैं नहीं हूं, महर्षियों में वेद व्यास नहीं हूं। ये बार बार जहां भी कुछ कुछ विशेष दिखता है वहां वही करता हूं। इस संसार को बनाने वाले विश्वकर्मा है, परमात्मा है, आज हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा होती है।
बड़े 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 गुरु बड़े शहरों में गाँव में भी विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाई जाती है और विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन विश्वकर्मा को हम समझे और विश्वकर्मा की प्राप्ति कैसे होती है वो भी समझे, ये समझाने वाले कोई साधारण आदमी नहीं होते होते। जिन्होंने विश्वकर्मा को समझा है वही विश्वकर्मा के बारे में बता भी सकता है। हमारे देश में बहुत पूजा होती है, इतनी पूजा ही किया जाए, इतना पूजा हो गया। अभी कुछ दिन पहले कौन सा पूजा से शुरू हुआ, हुआ गणेश पूजा हुआ हुआ और उसके बाद में अभी अभी विश्वकर्मा पूजा आ गया, फिर बहुत सारे पूजा भी आगे दुर्गा पूजा दीपावली में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा 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 बहुत बहुत तरह का पूजा है। और पूजा हमारे वेद में उसे कहा गया है 1,00,000 तक, उसमें 16,000 मंत्र उपासना कर रहे थे और 4,000 मंत्र ज्ञान कर रहे थे। इसलिए 4,000 जो मंत्र है इसी पर हमारे आचार्यों का टीका है, भाषी है। जैसे मान लीजिए ईशावास सूत्र से उसका पहला ग्रंथ है ईशावास निरम सर्व एक किंच जगत जम जगत तीन तीन भूमि था मां ग्रंथ सुध। हमारे आदरणीय श्री प्रताप बाबू बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, मेरे दादा इन्होंने मुझे जिज्ञासा है कि मामा क्या किया जाए जिससे हमारा मन शांत हो जाए, जिससे इंद्रियां हमारा जो है इंद्रियों में जो चंचलता है समाप्त हो जाए। हम लोग तो गृहस्थी लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।